राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज हम लेडीज बूट बनाने वाले हैं। आप इस बूट को बच्चों के लिए भी बना सकते हो और बड़ों के लिए भी बना सकते हो। लड़कियां भी इसको घर में स्लीपर के तौर पे पहन सकती है, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे अब ठंड कम हो गई है, हमारे पास ऊन बच गई है, जो हमारी बूट के लायक ऊन बची, यानी कि कुछ ज्यादा मात्रा में हमारी ऊन बच गई, तो उससे हम इस तरीके से बूट बना के रख सकते हैं। जैसे हमने ये दो कलर लगा लिए हैं, ये हमारे पास थोड़ी थोड़ी ऊन बची, इसी से हम जो है बूट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटी आइटम जो है बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने पिंक कलर, जैसे हमारे पास ज्यादा है, ब्लैक कम है, तो हम पिंक कलर से इसको शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हमने ये देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है, और इसी सिलाई के अंदर हमने ये देखिए 11 स्टिच डाल रखी है, यानी कि 11 फंदे। इसको गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने इसमें 11 फंदे डाले हैं। ये बहुत ही आसान है, जल्दी भी बन जाएगा। इसमें हम शुरू के 5 फंदे उल्टे लेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने, बीच का एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम जाली डालेंगे। तो सिलाई के हम इस तरीके से घुमा के ले आएंगे, देखिए सिलाई में हम इस तरीके से घुमा के ले आएंगे ऐसे, और सेंटर का फंदा हम जो है उल्टा बुनेंगे। फिर हम इस तरीके से घुमाएंगे और ये लास्ट के 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो बीच में हमारी एक फंदे के दोनों तरफ जाली आ गई, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए यहां से हम इसको पलट देंगे, जो शुरू के 5 फंदे उल्टे हम उन्हें उल्टा ही बुनेंगे। ये हमने बिना बुना ले लिया, एक फंदा हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमने फिर से 5 फंदे बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हमारी ये जाली डली थी, ऊन को पीछे की तरफ करना है और बीच के 3 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1, 2 और ये 3, क्योंकि इस के दोनों तरफ हमारी जाली डल गई है। लास्ट के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, आगे उनको किया और ये हमने उल्टे बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में हमारे 3 फंदे हैं, 1, 2, 3। ये दोनों तरफ जाली डली थी तो हमारा फंदा बढ़ गया। फिर हम इसको पलट देंगे, ये 2 सिलाइयां हो गई हमारी, यानी कि तीसरी थर्ड सिलाई। इसमें हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि उल्टी साइड में फंदे बढ़ाने हैं। फिर से हम बिना बुना फंदा लेंगे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। यानी कि शुरू के हमें दोनों तरफ 5-5 फंदे ही बुनेंगे, हमारे बीच में हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम ऊन को इस तरीके से घुमाएंगे सिलाई में, देखिए, और ये उल्टा फंदा ले लिया, 1, 2 और ये 3। फिर इस तरीके से घुमाया और ये 5 फंदे लास्ट के उल्टे बुनेंगे। फिर से हमने यानी कि दोनों तरफ फंदा बढ़ा दिया, 1
दो, तीन, चार और ये पांच। फिर से हम पलट देंगे, फिर से ये उल्टा लेंगे, दो ये हो गए, यानी कि पांच फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। ये देखिए पांच उल्टे और ये जाली आ गई, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे। बीच के जो फंदे हमारे बढ़ रहे हैं वो हमें सीधे उल्टे बुनने हैं, यानी कि ये देखिए इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर हमें एक हो गया, ये बीच में बढ़ गया हमारा, दो, तीन, चार और ये लास्ट का पांच, यानी कि जब हमने जाली डाली तो दोनों तरफ फंदे बढ़ रहे हैं, लास्ट के पांच फंदे उल्टे ही बुनेंगे। फिर उल्टी सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे, जब तक बीच में 11 फंदे नहीं हो जाएं, जब तक हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाते रहेंगे। ये पलट दी हमने, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर जाली डलेगी, एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर जाली डलेगी और पीछे के फंदे हमारे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पांच, देखा हम पांच पांच फंदे इधर इधर हमारे बन रहे हैं। अब ये जैसे पांच फंदे, जब भी हमें फंदा जो है बढ़ाना है, यानी कि फिर से हम इस तरीके से घुमाएंगे और बीच के फंदे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यहां पर हमारी जाली, यानी कि पांच बुनते ही आपको जाली डालनी है, लास्ट में भी पांच से पहले आपको जाली डालनी है। तो ये देखिए डिजाइन आपका, साइडों में उल्टी उल्टी सिलाई है, बीच में इस तरीके से वी शेप बन रही है, यानी कि हम यहां और यहां फंदा बढ़ा रहे हैं। पीछे और ये जाली जो है इसको हम बुन लेंगे, ये फिर हमारा एक फंदा बढ़ गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात, यहाँ पर हमारे सेवन स्टिच हो गई है। यहाँ पर एक थी, फिर वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री फोर फाइव और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इसी तरीके से सेंटर में जब हमारी 11 स्टिच हो जाएंगी, यानी कि 11 फंदे हो जाएंगे, जब तक हमें इसी तरीके से दोनों तरफ पांच पांच फंदों के बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा था और यहाँ पर बीच में हमारे 11 फंदे हो गए, हमने हर एक पांच फंदे यहां से बन के यहां बढ़ाया और यहां पर जो है फंदा हमने बढ़ाया। तो ये देखिए जाली आ गई इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर है और ये जो यहां पर बीच के फंदे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, यानी कि 11 स्टिच। जब हमारे यहाँ 11 फंदे हो जाएंगे, 11 स्टिच हो जाएंगी हमारी, हम फिर कलर चेंज करेंगे। यहां से गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, ये हमारी सीधी सिलाई है जो हमने बुनी है। तो ये जब हम इस तरीके से यहाँ से उल्टी करते हैं, यहाँ पर हम जाली डालते रहे, उल्टी सिलाई पर हमने जाली डाली, यानी कि ये हमारी पहली सिलाई थी। यहाँ से अब हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर के दो गोले एक इधर लगाएंगे। ये देखिए उल्टी साइड हमने यहाँ पर अब हमारा कलर चेंज होगा, तो हमने ब्लैक कलर का धागा लगा दिया है अपना। शुरू के पांच फंदे हमारे ब्लैक बुनेंगे, बीच में हमारा पिंक ही चलेगा और लास्ट के हमारे ब्लैक फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर हम जो है पांच फंदे अपने ये ब्लैक कलर के बना लेते हैं, इस तरीके से उल्टे उल्टे बनेंगे,
एक दो, यहाँ पर हम इस ऊन को ऐसे बीच में दबा लेंगे जिससे कि हमें यहाँ से शुरू करना है पिंक। फिर हम इसको इस तरीके से दबा लेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने ब्लैक बुन लिए। यहां से अब हमारा पिंक जो है शुरू होएगा। तो पिंक अब हमने देखिए बढ़ाया नहीं है, यहां पर पहले बढ़ाया था, अब हम बढ़ा नहीं रहे हैं। ये 11 फंदे जैसे हमने यहां से शुरू किया था, सेंटर में जाली डाली थी, इसी तरीके से हम सेंटर में जाली डालेंगे। तो अब हम पांच फंदे फिर बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार पांच, और यहां से हम बीच में अब एक जाली डालेंगे। तो यहां से हम इस तरीके से घुमाएंगे जैसे हमने नीचे सेम बनाया था, इसी तरीके से हम यहां पर भी इस तरीके से घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर इस तरीके से घुमाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये बीच का 11वां फंदा जो है हमारा, उसमें हमने दोनों तरफ जाली डाली है जैसे हमने यहाँ पर जाली डाली थी, और फिर से हम इस तरीके से ये हमारे पांच फंदे बुन गए लास्ट के, और ये एक दो तीन चार पांच, ये देखिए यहाँ पर हमने बना ली। यहाँ पर हम फिर से अपना कलर चेंज करेंगे, तो ये कलर लगा लेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर हम इस तरीके से ब्लैक कलर से अपना स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, दोनों तरफ ब्लैक और बीच में हमने यहाँ पर जाली डाली है। अब हम फिर इसको जैसे हमने नीचे से बनाया था सेम इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ से बनाया था ऐसे ही हमारे बीच में यहाँ पर पांच पांच फंदे थे। अब यहाँ पर हमारे पांच तो ब्लैक है ही हमारे, लेकिन ये बीच में हमारे पिंक सीधे ही बुनेंगे, बस इतना फर्क है आपका, ये उल्टे उल्टे चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे सीधे बुनेंगे और पांच फंदे ही बुनेंगे। एक देखिए ब्लैक है हमारे जो हमने वो इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लिए, ये देखिए हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये पिंक हमारा है ये, इससे हम इसको सीधे पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच पांच, और ये जाली है हमारी, इसको हम इसी तरीके से बुन लेंगे। देखिए यहाँ जाली आ गई, एक दो और ये तीन, बीच में हमारे जो एक दो तीन फंदे और ये एक दो तीन चार पांच, जैसे हमारे यहाँ से थे सेम हम इसी तरीके से यहाँ पर भी अपने फंदे जो है बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बस हमारी जाली नहीं डल रही है, अब सेंटर में डल रही है। और यहाँ लास्ट में हमारे जो है उल्टे फंदे पांच, हमने ये उल्टे ले लिए। तो ये देखिए बीच में यहाँ जाली आ गई, यहाँ पर जाली थी, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे 11 फंदे बीच में होने चाहिए जब तक हम बुनेंगे, यानी कि इस तरीके से जाली जाएगी, इधर से जाली जाएगी, और यहाँ हमारे पांच पांच ही रहेंगे, ब्लैक हमारे पांच पांच रहेंगे, और यहाँ पर हमारे बीच में जो है 11 फंदे हो जाएंगे, यानी कि 11 फंदे हो जाएंगे। तब हम फिर से अपना थोड़ा डिजाइन चेंज करेंगे, यानी कि ये जो पांच है आगे 10 हो जाएंगे। तो पहले हम
इसी तरीके से बढ़ा लेते हैं जब तक हमारे बीच में 11 फंदे नहीं हो जाते। ये देखिए हमारे जो बीच के बड़े हुए फंदे हैं, ये हमने 5 फंदे बनाए हैं ब्लैक और 5, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि मैंने बताया उल्टी तरफ हमारे फंदे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये बीच के जो फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, हमें बीच में 11 फंदे करने हैं, यानी कि 11 फंदे करने हैं। तो ये हमारे 5 फंदे बुन गए, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमने यहाँ पर अब इस तरीके से जाली डाली, उल्टी साइड हमारी जाली डल रही है, ये देखिए ऐसे ही, और यह हमारा एक फंदा बढ़ गया। इस तरीके से सारे फंदे ही हमने बुन लिए। बीच में हमारे 11 फंदे हो जाएंगे क्योंकि एक हमने इधर बढ़ा लिया और एक हम इधर, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 फंदे, फिर यहाँ पर हमने ऐसे घुमाया और ये हमारे बीच में अब 11 फंदे हो गए हैं। फिर हमारा जो है डिज़ाइन चेंज होएगा। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्रॉस करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर जाली आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है वी शेप आ गई यहाँ पर, और बीच के जो हमारे फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये बीच में हमारे 11 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब 11 फंदे हो जाएं, जब हमारा जो है यहाँ से डिज़ाइन चेंज होता है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर बीच में आए, फिर हम यहाँ से बीच में फंदे बढ़ाएंगे उल्टी सिलाई में। ये तो हमारी सीधी है, तो इस तरीके से हम जो है उल्टी सिलाई में फिर से हमारी यहाँ से जाली सेंटर से डलेगी। देखिए हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में यहाँ से जाली डालेंगे। अभी हमारे 5 फंदे, ये हमारे जो ये पिंक कलर के 5 फंदे, ये सारे हमारे 5 ये 5 यानी कि 5 ये 5 ये, यानी 10 फंदे हमारे स्टिच जो हमारी ब्लैक बनेंगी। तो ये इस तरीके से हम, यानी कि हर 11 फंदे जब हमारे बढ़ जाएं बीच में, जब हमारा डिज़ाइन चेंज होएगा, तो ये 5 फंदे तो हम ये पहले ले लेते हैं जो हमारे पहले से 5 फंदे हैं, ये देखिए, और यहाँ से 5 फंदे फिर बुनेंगे। इसमें हम ब्लैक ही रखेंगे, 1, 2 उनको हम आगे रखेंगे, 3, 4 और ये 5। तो ये जाली आ गई हमारी, यहाँ तक हमने ले लिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए हमारे 10, यानी कि 10 फंदे। अब यहाँ से हमें पिंक चलना है हमारा, फिर से हमारा सेम तरीका, यानी कि यहाँ से हमारा यहाँ पर जाली, जब तक 11 फंदे नहीं हो जाएंगे जब तक हम इसी तरीके से जाली डालेंगे। तो ये पिंक फंदा हमने इस तरीके से घुमाया और ये, सॉरी यहाँ पर हमें नहीं घुमाना, यहाँ पर हमें घुमाना है, यहाँ से हमें पिंक से इसी तरीके से उल्टे 5 फंदे बुनने, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे सेम पहले था सेम अब, फिर से ऐसे घुमाया, एक उल्टा बुना, फिर से ऐसे घुमाया और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, अलग से दिख जाता जब जाली आती है, और यहाँ से हमारा ब्लैक से बनेगा, यानी कि ये यहाँ से हम इस तरीके से अपना ब्लैक धागा लगा लेंगे, यानी कि दोनों तरफ हमारे 10-10 जो है हमने फंदे ब्लैक के बुन लिए। इसी तरीके से जब बीच में 11 फंदे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब हम फिर से यहाँ पर बीच में जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे 11 फंदे नहीं हो जाते, यानी कि इसी तरीके से
उल्टी उल्टी सिलाई बनाई, यहाँ से अब हमारे ये फंदे ब्लैक हो गए, तो यहाँ से हम जो है इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे और ये हमारे फंदे जो हैं ये हमारे सीधे हो जाएंगे। ये देखिए अब हम इनको सीधा बुनेंगे, चार और ये पांच और ये जाली वाला आ गया हमारा। तो सेम बार बार हमें ये से ही रिपीट करना है। ये जाली आ गई और इसको हम आगे करेंगे और ये सारे फंदे 10 के 10 उल्टे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ तक जब हमने 5 बना लिए थे उसके बाद हमारी यहाँ पर जाली डाली थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब हमारे 11 फंदे थे जब हमने यहाँ से जाली डाली थी। अब यहाँ सेंटर में जो है फिर से हमारे 11 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से सेंटर से जाली शुरू करेंगे सेम इसी तरीके से, और ये जो 5 फंदे ये हमारे ब्लैक हो जाएंगे जैसे यहाँ पर हमारे ब्लैक हो गए थे, यानी कि यहाँ पर हमारे अब ये फंदे 10 से 15 हो जाएंगे और बीच के 11 फंदों के बीच में हमारी जाली डलेगी। और सेम हम इसी तरीके से ये 1, 2 और 3 यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से हम जाली पहले बना लेंगे। इस तरफ से जाली डालते हैं, फिर से हम इस तरीके से ही हमारे उल्टे फंदे बुनेंगे। पहले 5 थे फिर 10 हो गए थे, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 हो गए। अब ये जो 5 है ये भी हम ब्लैक बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 यानी कि ये साइड वाले हमारे 5 हो जाएंगे। ये जाली आ गई है और ये लास्ट में भी हमारे यहाँ 5 फंदे ब्लैक हो जाएंगे, बीच के हमारे 11 फंदे उनके बीच में हमारी जाली डलेगी। तो यहाँ से हम अपना ये पिंक आगे कर देंगे। अब 1, 2, 3, 4 और ये 5 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। यहाँ से हमने इसी तरीके से ऐसे लिया, एक फंदा बुना, फिर ऐसे घुमाया, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5 यानी कि इस जाली तक। अब ये 5 फंदे हमारे जो है ब्लैक बनेंगे। यहाँ से हम इस ऊन को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से 5 फंदे 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 और 10, 15 यानी कि इधर और इधर बराबर हो गए। बीच में हमारे ये देखिए फिर से ये जो जाली थी सेंटर में हमने 11 फंदों के बीच में जो जाली डाली है इसी तरीके से फिर हमारी यहाँ पर जाली डल जाएगी। ये सारे फंदे हम ब्लैक बना लेंगे इस तरीके से। यहां से जैसे हमने बना था सेम रिपीट करना है ऐसे, फिर सेंटर में ऐसे, अब यहाँ पर फिर ऐसे। तो ये 5-5 फंदे हमारे ऐसे गए, यहाँ पर खत्म हो गए, यहाँ से ब्लैक लगाए, यहाँ से हमने यहाँ जैसे हमारी जाली पूरी हुई यहाँ से ब्लैक लगा दी, यानी कि बीच में जब 11 फंदे रह गए। अब यहाँ से हम देखिए फिर से हमने यहाँ से जाली डालनी शुरू कर दी है, इसी तरीके से चलेगा। तो 1, 2, 3 बार हमारी इस तरीके से बेल चलेगी जो कि हमारे सेंटर में आएगी। तो पहले हम इसी तरीके से बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5 आ गई यहाँ पर जाली आ गई, इसको हमने इसी तरीके से बुन लिया। तो सेम हमारा इसी तरीके से चलेगा, ये जाली आ गई और ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि फिर से यहाँ यहाँ से हमारे 5-5 फंदे चलेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से 1, 2, 3 इस तरीके से हमने वी डिजाइन बना ली है जाली वाले। देखिए ये फंदे हमारे हो गए 11, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ थे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ थे। बीच के फंदे हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि फिर से हमारे ये 11 फंदे आ गए, यानी कि हमारा डिजाइन खत्म है यहाँ से। अब यहाँ से हम इसको नीचे से बैक बनाना शुरू करेंगे। तो ये 11 फंदे हम सेंटर के रखेंगे और ये जो इधर के फंदे हैं सारे इधर के सारे फंदे ये हम इसी के साथ घटाते हुए तलवे की तरफ चलेंगे।
तो ये अब हमें काला रंग का धागा नहीं चाहिए, इसको हम दोनों तरफ से काट देते हैं। यहाँ पर सेंटर में ये अपना पिंक कलर रखा है, यहाँ से हमने इसको काट दिया और यहाँ से हमने इसको, ये देखिए यहाँ से काट दिया। अब ये जो फंदे हम यहाँ से इस सिलाई में ले लेंगे इस तरह से, इसको हम बाद में पक्का करेंगे। देखिए हमने इसमें सारे ब्लैक ले लिए और इस सिलाई में हमें गले की सिलाई हमारी, इसमें हम ये सारे पिंक ले लेंगे। हमने इसमें पिंक लिए, ये लास्ट के पांच फंदे जो हैं पिंक हमारे इसी सिलाई में है, ये हमारी गले की सिलाई है, तो यहां से पांच फंदे हम इसी सिलाई में ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए पांच इसमें ले लिए हमने, पांच इसमें ले लिए, बीच में जो हमारे 11 फंदे हैं यानी कि 11 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से हमने सिलाई में, ये हमारी गले की सिलाई है, बीच में हमने इस तरीके से अपने फंदों को ले लिया है। क्या करना है, ये 11 फंदे हमारे इधर आ जाएंगे, हम एक इधर का फंदा एक इधर का फंदा यानी कि इस सिलाई का ये फंदा हम इसमें ले लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये हमने एक साथ इस तरीके से बुन लिया और ये बीच के फंदे हम इस तरीके से सारे बुन लेंगे। जब ये एक फंदा रह जाएगा ये और इधर का इस सिलाई का एक फंदा यानी कि ये दो फंदे हम एक साथ ऐसे बुनेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे यहां से इस तरीके से। ये देखिए, और फिर हम इस सिलाई में 11 फंदे अपने ले लेंगे, ये हमने ऐसे ले लिया और ये हम इस तरीके से 11 फंदे फिर से बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और फिर से हम इसको पलट देंगे। और फिर हम सेम इधर का एक फंदा इधर का एक फंदा, इस फंदे को ऐसे लेंगे और दो फंदे एक साथ हम बुनेंगे इस तरह से धीरे धीरे दोनों तरफ से। ये देखिए दो फंदे बुन लिए, फिर हम सारे फंदे ले लेंगे और लास्ट का एक फंदा ये एक फंदा ये, इस तरीके से दोनों घटाएंगे और सीधी सिलाई पे हम 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे सारे फंदे हमारे कम हो जाएंगे, एक एक फंदा रह गया ये और फिर से हम इसके साथ में एक फंदा ये यानी कि ये दो फंदे इस तरीके से बुनेंगे। हमने 11 फंदे इस तरीके से बनाते रहे, एक एक फंदा यहां से लेके हम यहां से जो है एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से लेके हमने जो घटाया जाए। अभी देखिए हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा रह गया है, ये देखिए हम इसी तरह से इनको भी यानी कि बीच में सिर्फ हमारे 11 फंदे रह जाएंगे। लास्ट के दो फंदे रह गए, इन्हें एक साथ हमने ऐसे बना लेना है, देखिए, और इसी तरीके से उल्टी सिलाई में जाके हम इसको भी इसके साथ घटा देंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ 11 फंदे रह जाएंगे इस धागे को। अब ये लास्ट वाला था, इसको हम इसके साथ बांध देंगे। इस तरीके से हमारा डिजाइन बन गया है। अब हम ये जो हमारे साइड के, ये देखिए आप, ये इस तरीके से आप देखिए ऐसे डिजाइन बनाई, हमारा आगे का पंजे वाला साइड है, यहाँ से अब हमारा आगे का हिस्सा एडी तक बनेगा।
यानी कि हम इसको नाप लेंगे अपने पैर के हिसाब से कितना हमें लेंथ चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ज़्यादातर जो हमने जितना बनाया है उतना ही हम यहाँ बनाएंगे, ये हमारा नॉर्मल साइज़ बनाने वाले हम। तो ये जो फंदे हैं, ये देखिए जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो ये हम जो फंदे उठाएंगे, आपको यहाँ से ब्लैक में इतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा, यहाँ से एक एक फंदा हम जो है उठाएंगे। जितने भी सिलाई है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 20 के करीब फंदे 20 इधर उठाएंगे, 20 इधर उठाएंगे, सेंटर की 11, इन सब फंदों को हम इकट्ठा बनाएंगे। और ये जो यहाँ से 5 फंदे और यहाँ से 5 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे, बाकी हमारा इस तरीके से सीधा उल्टा बनेगा। पिंक का काम हमारा ख़त्म है। यहाँ से जो जैसे हमारे यहाँ पर लगा हुआ धागा, तो यहीं से हम इस तरीके से फंदे उठा लेंगे। चाहे तो आप दूसरी सिलाई की सहायता से इस तरह से उठा सकते हैं। ये देखिए हमने ऐसे उठाया और इसको यहाँ से इस तरीके से बुन लिया, फिर ये उठाया, फिर इसको हमने इस तरीके से बुन लिया, दो फंदे उठ गए। ये आप देखिए ब्लैक है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। इस तरीके से ये हमने एक एक फंदा उठाना है। चाहे तो आप इसी तरीके से डायरेक्ट सिलाई से ऐसे उठा सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने सिलाई रख दिया, ऐसे किया और इसको ऐसे बुना, और ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये इस तरीके से भी आप फंदे उठा सकते हो। तो इस तरह से हम 20 फंदे यहाँ तक सारे फंदे उठा लेंगे। यहाँ से फंदे उठाएं, अभी हमारा लाइट कलर आ गया, यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए हमारी 1, 2, 3, 4, 5 है सिलाइयाँ, ये आप अलग से देख रहे होंगे। तो इसके बीच में से हमने यहाँ से फंदा उठाना है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक में भी ऐसे किया है, ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 1, 2, और ये देखिए बीच में से उठा रहे हम, 3, 4, 4, और ये लास्ट में 5, इस तरीके से। तो हम गिनेंगे, यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए हैं। ये देखिए अलग से दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 फंदे हमारे ये यहाँ पर हमने उठाए हैं। इसी तरीके से हम इस तरफ भी इतने ही फंदे उठा लेंगे, और इधर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारी एक सिलाई में नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम गले की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम पहले बना के इस तरीके से उल्टे चले जाते हैं, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा जो है पिंक है, यहाँ से हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ लेनी है। 5 फंदे हम इस तरीके से उल्टे लेंगे, 2, 3, 4 और ये 5, बाकी फंदे हम इस तरीके से सीधे लेंगे। तो इसको हम पहले हम 3 सिलाइयों में कर लेंगे, जब हमारी कुछ लेंथ बन जाएगी तब हम इसको 2 सिलाइयों से बनाएंगे। यहाँ से उल्टा बना, आप यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ये देखिए इस तरह से मुड़ नहीं रहा, इसलिए हम आधे फंदे इस सिलाई में ले लेंगे और आधे हम इधर ले लेंगे। ऐसे इस तरीके से इसको आप खींच लेंगे इधर, तो अभी हमारा इससे फोल्ड होएगा, या तो आप डोरी वाली जो है सिलाई से भी, अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई से फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये हमारी साइड है, यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ से फिर हम इसी तरीके से सिलाई ऐसे डालेंगे, क्योंकि हमारी सीधी साइड है, उस हमने पहले उल्टी से उठाया था, अब हम ये सीधी से उठा रहे हैं। तो हम सिलाई को इस तरीके से ये देखिए ऐसे 1, 2, ये देखिए बीच में हम इसी तरीके से 3, ऐसे हम यहाँ तक फंदे पूरे उठा लेंगे, 20 फंदे। हमने
यहाँ पर एक सिलाई और ये दोनों गले की लगा ली है। आप देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी हमने यहाँ तीन सिलाई इसलिए की क्योंकि अभी हमें मुश्किल होगी बनाने में, जब हमारा थोड़ा मतलब बढ़ जाएगा तब हम इसको दो सिलाइयों से ही बनाएंगे। तो शुरू के 5 फंदे उल्टे और बीच के सीधे उल्टे और लास्ट में यहाँ पर उल्टे उल्टे, इस तरीके से हम ये देखिए उल्टे फंदे बना रहे हैं। वैसे भी उल्टी सिलाई है और यहाँ से हम इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी और सीधी सिलाई में दोनों तरफ फंदे 5-5 उल्टे बनेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से हमने उल्टी सिलाई ऐसे ली है। अब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर यहाँ से जाएंगे, इस तरीके से हम उल्टी सीधी सिलाई बनाएंगे और शुरू के 5 फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बनेंगे क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है। तीन, चार और ये 5 पीछे कर दिया और ये सीधी सिलाई। तो इस तरह से हम देखिए और यहाँ पर भी हम 5 फंदों का बॉर्डर ही बनाएंगे। तो ये हम लेंथ बना लेते हैं पहले जितने हमें चाहिए कि हमने यहाँ से फंदे उठाए थे, यहाँ से यहाँ तक हमने सीधा उल्टा बनाया और ऊपर 5-5 फंदों का हमने बॉर्डर बनाया ये दोनों तरफ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल बनाया है। और ये जो हमारी लेंथ है या तो आप ये पैर की लंबाई के हिसाब से बना लीजिए, नहीं तो हमने नॉर्मल एक साइज बनाया, जितना डिजाइन हमारा आगे है उतना ही हमने पीछे की तरफ ये देखिए फोल्ड करके उतना ही हमने यहाँ पर बनाया है। अगर हमने उंगलियों से नापना चाहे तो हम इस तरीके से उंगलियों से नापते हैं तो ये हमारी जो है 6 उंगली के करीब ये हमारी लंबाई बनी है। अब हम इसको पीछे से बंद करेंगे, ये हम तीसरी सिलाई से करेंगे। आधे आधे फंदे हमने कर लिए हैं, इधर हमारे 24 फंदे इधर हमारे 24 फंदे हैं, लेकिन एक फंदा हमारा सेंटर में है क्योंकि बीच में हमारे 11 फंदे थे। तो एक फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा है जिसको हम दूसरी सिलाई में रखेंगे। इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे उल्टी साइड, ये देखिए क्योंकि उल्टी साइड से हम बंद करेंगे और इस तरीके से हम रख लेंगे। जो एक एक्स्ट्रा फंदा है वो हम अपने सिलाई में तीसरी सिलाई में ले लेंगे। तो बंद करेंगे ये तीसरी सिलाई से। तो ये पहला फंदा हमारा ये जो एक्स्ट्रा था वो हम ऐसे सिलाई में इसी तरीके से ले लेते हैं और ये पीछे वाला फंदा जो हम इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई में ले लिया है। और ये दोनों जो हमारा पीछे वाली सिलाई का फंदा या तो आप इस तरीके से पहली सिलाई में ले लीजिए, आपको ईजी रहेगा बनाना, ये देखिए। और इनको दोनों को एक साथ ऐसे बना लीजिए। और इसको ऊपर से इस तरीके से उतार दीजिए। एक तो है ये तरीका। और फिर से इस तरीके से हमने दोनों फंदे लिए, ये ऐसे बनाए उल्टे, दोनों सिलाई से उतार दिया, यानी कि एक सिलाई से एक सिलाई से। और फिर से हमने इसको पिछले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से उतार दिया। तो जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं, या इसी सिलाई में ऐसे डाला और ये बनाया। और ये ऐसे सिलाई से लिया और ये ऊपर से उतार दिया। तो इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे इसको, सारे फंदे हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। जैसे भी आपको इजी रहता है या और कोई तरीका हो आपके पास में, आप उसी तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए मैं पीछे से आगे से एक साथ लेती हूँ और इस तरीके से हम जो है ये फंदा हम ऐसे डालकर इसको इकट्ठा भी बुन सकते हैं। ये देखिए बहुत से तरीके हैं, मैंने आपको जैसे अभी बताया, जो आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से इसको जो है बना लीजिए। तो ये सबसे ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि तो हम इसको इसी तरीके से बंद कर लेते हैं सारे फंदे। ये देखिए यहाँ से ही बंद हो गया है, ऐसे हम पूरे फंदे बंद कर देंगे। यहाँ से हमने कैंची से धागा काट दिया तो ये हमारी बूट इस तरीके से बनेगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं।
अब हम यहाँ पर ऊपर से हम ब्लैक कलर से जो है एक लेस तैयार करेंगे, वो हम क्रोशे से करेंगे। ये जो हमारा धागा, हम इसको अंदर इसी तरह दबा देंगे। यहाँ से हम पीछे से शुरू करें जहाँ से हमने जोड़ा है। ये देखिए इस तरीके से, या तो आप सिंगल क्रोशिया कर लीजिए आराम से सिंपल, अगर आपको आउटलाइन ही करनी है, नहीं तो इस तरीके से आप जैसे हमने ये सिंगल क्रोशिया एक लिया है, एक बार ऐसे घुमाया क्रोशिया के ऊपर से और पीछे से इस तरीके से हम लेके आएंगे डबल क्रोशिया। और ये देखिए फिर हम अगली इसमें चले जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम इस तरीके से क्रोशिया के ऊपर से घुमाएंगे। और ये देखिए यहाँ से अंदर से नहीं लेना, ये पीछे से ही हमें यहाँ से बैक से ऐसे लेके ये छोटी छोटी हमने लेस तैयार करेंगे। फिर हम अगली इसमें चले जाएंगे, इस तरीके से क्रोशिया सिंगल क्रोशिया लिया, फिर हमने डबल क्रोशिया पीछे की तरफ से घुमाकर ऐसे लिया। इस तरह से हम पास पास में लेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमारी ये एक ही ले रहे हैं, हम एक ही क्रोशिया ले रहे हैं डबल क्रोशिया एक बार ऐसे, और फिर आगे जाके ये सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ से हम पीछे से इस तरीके से डबल क्रोशिया ले रहे हैं। आपको और कोई सुंदर लेस है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो हम ऐसे एक लेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से लेस तैयार कर लिया, दोनों बूट एक जैसे बनेंगे। बनाने में देखिए कितना आसान था और देखने में कितना सुंदर है। आप अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं और इसको छोटे साइज में भी आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ से जो है ये जैसे हमने 5 फंदे लिए, आप 4 ले लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा डिजाइन बन जाएगा। और ये जो हमारी जाली है थोड़ी सी, आप 1, 2, 3, 4, 5 जाली डालिए, आप 4 डाल लीजिए, जिससे कि इसकी लेंथ जो है कम हो जाएगी और इसी तरीके से आपकी जो बूट जो है थोड़ा छोटा बनेगा। तो ये अपने थोड़ा सोचना होता है कि हम कहाँ से थोड़ा फंदा कम करेंगे तो अपना जो है बूट छोटा बन जाएगा। और ये पैर के हिसाब से आप लेंथ को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।